उम्र के साथ साथ हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आना चालू हो जाती है, लेकिन एक उम्र से पहले ही जब हम शरीर पे ध्यान नहीं देते हैं या हमारे चेहरे पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे खान पान पे ध्यान नहीं देते हैं, तो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आने लग जाती हैं और स्किन होती है वो ऊपर जैसे टाइटनेस रहता है, फिर धीरे 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 लटकने लग जाती है। इसमें से जैसे फोरहेड पे झुर्रियाँ आ जाती हैं या आइज की आंखों के नीचे झुर्रियाँ आ जाती हैं, ज़्यादातर यही एरिया हो जाती है, या फाइन लाइन स्माइल लाइन होती है वो आ जाती हैं, यानी कि जिसके किसी के फेस का एक्सप्रेशन इस प्रकार का होता है कि जैसे कोई बात करते हैं तो यूं करते हैं, किसी का यूं मुंह को यूं यूं करना, या ज़्यादा जो स्माइलिंग लाइन होती है वो भी हो जाती हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे स्किन में लूजनेस आता है तो ये जो अपने लिप होते हैं ऊपर का लिप थोड़ा लूज हो जाता है और इस तरीके से नीचे की तरफ लटकने लग जाता है, यहाँ से अपने जो चिक होते हैं वो नीचे की तरफ लटकने लग जाते हैं, जो नीचे का लिप होता है ड्रॉपी लिप्स होता है, लिप लिफ्ट करने लग जाता है, यानी कि नीचे की तरफ लटकने लग जाता है, एकदम से ड्रॉपी लिप टाइप से हो जाते हैं, सैगिंग स्किन हो जाती है, और इस वजह से हमारी उम्र होती है वो दिखने लग जाती है, यानी कि उम्र से पहले भी दिखने लग जाती है। हमारा जनरली ध्यान जाता है हमारे शरीर के ऊपर कि हम फिट हैं कि नहीं, लेकिन कई बार हमारा शरीर से तो हम फिट हैं, जितना हमारा शरीर पे ध्यान देना जरूरी है उतना ही हमारा फेस पे ध्यान देना भी जरूरी है। और फेस में ये होता है कि ज्यादातर ध्यान जाता है मेकअप पे, सुंदर दिखने पे, लेकिन मेकअप से ज्यादा जरूरी होता है जो इंटरनली ग्लो होता है फेस पे आता है वो एक्सरसाइज से आता है, योगा से आता है, प्राणायाम से आता है। तो इसकी पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती है हर पार्ट की, हमारी जो एक्सरसाइज होती है वो तीन पार्ट्स में चलेंगी। फेस की एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो लिप के एरिया का होता है उसकी बताएंगे, या दूसरा जो पार्ट है पहले पार्ट में आपको जो लिप नोज से नीचे का हिस्सा लिप वाला हिस्सा है उसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी। दूसरा पार्ट होता है यानी कि नेक्स्ट सेशन चलेगा, उसके अंदर आपको चिक यानी कि आपके गाल जो स्माइल लाइन हो जाती है और आईज इसकी एक्सरसाइज बताई जाएगी। नेक्स्ट जो पार्ट चलेगा पार्ट थ्री, उसमें आईज यानी कि आंखें और फोरहेड उसकी एक्सरसाइज बताई जाएंगी। फिर जो नेक्स्ट अगला अपना पार्ट, अगला पार्ट फोर चलेगा, उसमें डबल चिन की एक्सरसाइज बताएगी, यानी कि फेस से संबंधित हमारे चार सेशन चलेंगे, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री और पार्ट फोर, जिसमें मैंने आपको बताया है यहाँ से लेके वन और फिर ये एरिया टू, फिर ये एरिया और आंखें थ्री, और फिर जो डबल चिन होती है उसका एरिया फोर, यानी कि आपको फोर पार्ट में फेस की योगा या एक्सरसाइज का सेशन चलेगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। काफी दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, थोड़ा बिजी थी, इस वजह आज से मेरे चैनल पे डेली के या एक दो दिन से वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ में बने रहिए, वॉच करते रहिए और सीरीज के अंदर चलेंगे अपने। ऐसा नहीं है कि आज इसका वीडियो डाल दिया, कल इसका वीडियो डाल दिया। अगर पेय पदार्थ से संबंधित चल रहा है तो पेय पदार्थ का ही सीरीज चलेगा, और अगर फेस का चल रहा है तो फेस के जितने पार्ट्स होते हैं उस पार्ट्स में चलेंगे, और योगा का चल रहा है तो योगा के पार्ट्स में ही चलेंगे। तो आप कंटिन्यू मेरे साथ में बने रहिए और वॉच करते रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, और उसके पश्चात आपको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे थोड़ा सा आपको एकदम से ड्राई स्किन पे नहीं करना है, थोड़ा सा आपको उस पर ऑयल, कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करना है। कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल मैंने मेरे फेस पे लगा रखा है, आपको भी कोकोनट ऑयल ज़्यादा नहीं लगाना है, नॉर्मल लगाना है जिससे आपकी स्किन खींचे नहीं। और फिर उसके पश्चात आपको योग फेस एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। नंबर वन एक्सरसाइज है जिसको आपको अपने मन के अंदर या माइंड में आपको 30 तक काउंटिंग करनी है, यानी कि 30 तक गिनने हैं, वहां तक एक एक्सरसाइज होनी चाहिए। पहली एक्सरसाइज है आपको फिंगर्स का यूज करना है, इस तरीके से ये फिंगर यूज करनी है, और जैसे अपने लिप्स होते हैं वो नीचे की तरफ यूं लटक जाते हैं, तो इसको थोड़ा सा इस लेवल में लाने के लिए अपने को क्या करना है, इस तरीके से आपको इसको दोनों फिंगर्स को यूं यूं करते जाना, ऊपर की तरफ करना, 30 तक काउंट करते रहें। फिर ऐसे ही दूसरी दोनों फिंगर से आपको इस साइड में करना है, नीचे से ऊपर की तरफ स्किन को लेना है, 30 तक गिनना है।
नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो दोनों फिंगर की दोनों हाथों से आपको इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ लेना है, ताकि जो अपनी स्किन यहाँ से लटक जाती है उसको लेवल में लाया जाए। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज है वो है आपको हवा को मुंह के अंदर भरना है और एक बार ऊपर के लिप की तरफ लेके जाना है, दूसरी बार आपको नीचे के लिप की तरफ लाना है। इस तरीके से करना है, हवा भरें। इसके बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, जैसे अपने लिप ऊपर वाला लिप होता है वो नीचे की तरफ आकर के यूं लटकने लग जाता है, तो इस तरीके से आप लें और जो अपना कॉर्नर होता है लिप्स का उस पे जाके यहाँ पे प्रेस करना है। यानी कि आपको इस तरीके से ऊपर लेके जानी है स्किन को और ऐसे आकर के इसको ऊपर की तरफ करके इसको प्रेस करना है यहाँ पे। ऐसा करने के बाद में आपको एयर को गुब्बारे की टाइप में एक बार इस साइड में एक बार इस साइड में ऐसे करना, एयर को हवा को। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पहले मुंह को गोल करना है और फिर स्माइलिंग फेस की तरह उसको खोलना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको अपने चिक्स को अंदर करना है।
और होठों को बाहर निकालना है। इससे नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें आपको ये इस तरीके से फिंगर रखनी है लिप पे, और दूसरे से आपको इसको स्किन को यूं करना है, इसको फिंगर को प्रेस करके रखना है ताकि ये जो स्किन नीचे की तरफ लटक जाती है या इधर इकट्ठी हो जाती है तो उस ये इस तरीके से हो जाए। ऐसे ही आपको दूसरी साइड करना है, थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके जाना इस तरीके से, हल्के हल्के हाथ से। ये थी अपनी एक्सरसाइज ड्रॉपी लिप्स, यानी कि जो लिप्स लिफ्टिंग होती है, सेगिंग स्किन हो जाती है, लटकती हुई त्वचा हो जाती है, उसके लिए नाक से नीचे के हिस्से की जो एरिया है उसके लिए एक्सरसाइज थी। ऐसे ही एक्सरसाइज को आपको कंटिन्यू बने रखने के लिए या फॉलो करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास में नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको वॉच कर सकते हैं। कंटिन्यू मेरे साथ में बने रहिए, अगले सेशन में मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।